हेलो दोस्तों, अगर कोई भी इंसान अगर इंटरनेट पे पूछता है कि क्या वो इंटरनेट किसी भी यूट्यूब किसी भी प्लेटफॉर्म से जो कि ऑनलाइन है वहाँ से म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख सकता है, तो यूजुअली सबका आंसर यही होता है, देखो सीख तो सकता है बट वैसे उतना एफिशिएंट वे से नहीं सीख सकता जितना वो ऑफलाइन सीख सकता है, क्योंकि ऑफलाइन उसके पास एक मेंटर होता है जो उसकी सारी क्वेरीज सॉल्व करता रहता है, जो भी उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे सॉल्व होगा, ये चीज़ें कैसे होंगी, और अच्छा उसने ऐसा इफेक्ट लाया तो मैं कैसे इफेक्ट लाऊं, ये ऐसा, तो ये सारी क्वेरीज जो होती है उसका एक मेंटर सोल्व करता रहता है। बट ऑनलाइन उनको क्या होता है कि एक वीडियो मिल जाती है, वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं और उन्हीं की तरफ बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं और किसी को आंसर मिल पाता है किसी को आंसर नहीं मिल पाता। और इसी तरह जब इंस्टा पर मेरे पास लोग मैसेज करते हैं, मैं बहुत सारे मैसेज का ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूँ और डेली मैं करता रहता हूँ, पर डेली के इतने मैसेजेस आते हैं मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, अब पॉसिबल ही नहीं होता यार एक सिंगल इंसान के लिए इतने सभी लोगों का रिप्लाई करना। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकल सकता है कि हम ऑनलाइन ही क्या कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हर इंसान को एक मेंटर मिल जाए और वो जो उसकी क्वेरी दिमाग में आए वो पूछ ले और तुरंत उसको आंसर मिल जाए। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या ऐसा कोई सोल्यूशन निकल सकता है, और वो भी फ्री सोल्यूशन, कोई भी किसी भी चीज़ की आपको फ़ीस नहीं देनी, कहीं भी आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी फ्री रहेगा सब कुछ। तो देखिए उसका एक ही सोल्यूशन निकलता है कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको खुद भी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको हेल्प के बदले हेल्प मिलेगी, आपको फ्री में हेल्प नहीं मिलेगी। ऐसे मेरे फ्री का मतलब वो नहीं है कि आपसे पैसे लिए जाएंगे, वो फ्री नहीं, आपको भी बदले में कुछ देना पड़ेगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको खुद भी हेल्प करनी पड़ेगी, इसलिए मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ कि हम सब एक दूसरे की हेल्प करें जिससे कि हर इंसान को एक मेंटर मिल पाए, जब उसको कोई भी क्वेरी हो वो पूछे और तुरंत उसको सेकंड के अंदर आंसर मिल जाए कि देखो भाई ये चीज़ ऐसे होनी है। बट आप सोच के देखिए, आप कहीं पर हैं जहाँ पर एक कम्युनिटी है जो आपकी हेल्प करने के लिए ही बनी है पूरी, और वहाँ पर हैं बहुत सारे लोग हैं, मतलब हज़ारों की संख्या में लोग हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन निकलता है दिमाग से कि ये है, और वो सभी उस ही फील्ड में एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है आप क्या आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होगी? मान लीजिए कल को आपको FL Studio में कोई भी एरर फेस करना पड़ रहा है, या फिर क्यूबेस लॉजिक किसी भी चीज़ में, क्योंकि कम्युनिटी में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले लोग नहीं होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले लोग होते हैं। तो वो कम्युनिटी मैंने बनाई है मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर। अब डिस्कॉर्ड सर्वर पर ही क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर मैं बहुत सारे मॉडरेटर्स रख सकता हूँ जो कि 24/7 मॉनिटर करेंगे चैटिंग को, और वहाँ पर आप वॉइस कॉल्स के ज़रिए भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ग्रुप्स में बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है डिस्कॉर्ड अगर आप एक एज अ कम्युनिटी देखें तो। देखिए कुछ लोग देखिए वहाँ पर हैं सिर्फ अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए, ये उनको एक पर्टिकुलर टाइम पर करना चाहिए जब मैं लाइव आता हूँ मान लीजिए और मैं सॉन्ग्स के रिव्यू करता हूँ, तो ये चीज़ उनको उस टाइम पर करनी चाहिए, ना कि बाकी टाइम ये चीज़ें करनी चाहिए। जो प्लीज़ जो भी लोग अपने सॉन्ग के प्रमोशन करते हैं वहाँ पर लिंक्स भेज भेज के, तो आगे से ये चीज़ें बंद होंगी, सॉन्ग्स सिर्फ आप तभी सेंड करेंगे जब आपको ज़रूरत होगी या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ होगी कि हाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में, तब नहीं तो वहाँ पर आप एज अ काम करेंगे किसी और के मेंटर और लोग काम करेंगे एज अ आपके मेंटर। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया मामला, तो मैं थोड़ा सा इसे और ईजी बना देता हूँ। अब मान लीजिए ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि आप किसी भी टीचर के सामने बैठे रहते हैं और आप काम करते हैं कि चलिए मैं कंप्रेशन सीख रहा हूँ, सर ने अभी बताया है कंप्रेशन और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, पर कंप्रेशन कर लिया, ओह ये रेशो क्या काम करता है, मुझे नहीं पता कि रेशो का नॉब क्या काम करता है, ये इसमें ये गेन का नॉब क्यों दिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो नॉइज़ गेट दिया हुआ है हमारे कंप्रेशन में, तो नॉइज़ गेट क्या काम करता है सर एक बार बता दो प्लीज़, नॉइज़ गेट ये मेरे को समझ नहीं आया ये नॉइज़ गेट क्या है। तो सेम चीज़ अगर आप वही डिस्कॉर्ड सर्वर पे करेंगे तो क्या लगता है आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा? इतने सारे लोग हैं जो खुद ही क्वेरी सोल्व करवाने आए हैं, तो इतने सारे लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो उस स्टेज से निकल चुके हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम क्यों ज्वाइन करें, हम क्यों किसी की हेल्प करें। तो देखिए जेलेसी हर किसी इंसान में होती है, तो आपको अगर बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना है या म्यूजिशियन बनना है तो आपको इस जेलिसी वाली चीज़ से बाहर निकलना होगा, आपको लोगों की मदद करनी होगी। देखिए जब आप किसी की मदद करते हैं ना तो अंदर से जो फीलिंग निकल के आती है वो सभी बाकी सभी फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो
कोशिश करें कि उस फीलिंग से बाहर निकले, क्योंकि हम बचकानी चीज़ें नहीं कर सकते यार सारी ज़िंदगी, ठीक है। एक टाइम आता है जब हमको लोगों की मदद करनी होती है, और जब बहुत सारे लोग आपसे मदद मांग रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपकी मदद करने को भी रेडी होते हैं, अगर आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। तो जहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पर ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी जगह काम किया है, तो वो लोग वहाँ पर आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आप जो भी चीज़ें मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं मैं रिप्लाई करता हूँ बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का नहीं कर पाता हूँ टाइम की कमी के चलते, तो आप वो चीज़ें वहाँ पर क्यों नहीं पूछते, वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इवन वहाँ पर मैं भी हूँ यार। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे वो क्वेरीज मिलेंगी और मुझे लगेगा कि चलो किसी को नहीं पता था इसका आंसर, तो मैं उन क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। तो आप अपनी क्वेरीज पूछिए वहाँ जाकर, और लोगों की मदद कीजिए आपस में, एक इस कम्युनिटी को बड़ा करने में हेल्प कीजिए। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो मैं वहाँ पर अपने प्रमोशन करता हूँ, वहाँ मेरा एक रुपए का भी फ़ायदा नहीं होता है। मतलब वहाँ से ये है कि ना मैं खुद के सॉन्ग प्रमोशन करता हूँ, ना मैं खुद की वीडियोज़ के प्रमोशन करता हूँ, मैं खुद का 1% भी प्रमोशन नहीं करता हूँ उस जगह पर। वहाँ वो चीज़ बनाई ही इसलिए कि प्रमोशन जैसी चीज़ों के लिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, मेरा यूट्यूब है, तो कम से कम एक जगह तो ऐसी हो जहाँ पर हम प्रमोशन ना करें, जहाँ पर हम सिर्फ सीखें। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं लोगों से कि हाँ कैसे काम होता, कई तो बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है कि हाँ अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा लोग ऐसे भी काम करते हैं। मैं तो एकदम मतलब छोटे बच्चे की तरह बैठ जाता हूँ, देखो अच्छा ऐसे काम हो जाता है, ओहो ये तो कुछ नई चीज़ सीखने को मिली। तो यार देखो जब हम सीखेंगे और सिखाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, तो सेल्फिशनेस से थोड़ा आगे बढ़ो, वहाँ पर जाओ लोगों की मदद करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ मदद करो लोगों की और मदद मांगो लोगों से। जब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपकी हेल्प करेगा कौन? आप सोचते हैं कि मेरे घर वाले मेरी हेल्प नहीं करते हैं, कोई मुझको सपोर्ट नहीं करते, इतने सारे लोग हैं तो सही, सपोर्ट करने के लिए कम से कम आप जाओ तो सही, ठीक है। आप खुद, आपने खुद नहीं सोचा कभी कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए? किसी की हेल्प करोगे तो उसके दिल में ये नहीं आएगा कि देखो इस बंदे ने मेरी हेल्प की है तो मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। देखो हमेशा से यही शेयरिंग सिस्टम चलता है ह्यूमंस में, और ये आगे भी चलेगा, बट आपको खुद के दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि मैं यहाँ हूँ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए, और यहाँ के जो बाकी लोग हैं वो मेरे साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए हैं। तो हम सब शेयरिंग खेल रहे हैं आपस में, तो आप इस शेयरिंग गेम का थोड़ा सा हिस्सा बने और इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में मेरी मदद करें, क्योंकि यार बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों की क्वेरी सोल्व नहीं हो पाती हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई मदद करने वाला नहीं होता, तो एटलीस्ट कोई हो जिसको वो देख सके कि हाँ एटलीस्ट चलो मेरा बजट नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस का, तो मैं ऑनलाइन ही अपने लिए मेंटर्स देख लेता हूँ जो मुझे सिखा पाएंगे, बता पाएंगे, मेरी मदद कर पाएंगे। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि जो चीज़ें ऑफलाइन मिल रही हैं वो उसी बंदे को ऑनलाइन मिल रही हैं आराम से अवेलेबल। मैंने सिलेबस अवेलेबल करवा दिया, बस एक ये चीज़ थी कि उसको 24/7 मेंटरशिप नहीं मिल रही थी, तो हम उस इंसान को 24/7 मेंटरशिप देंगे ताकि वो कामयाब हो सके। और वो इंसान कौन है? वो आप हैं। आपको खुद से कोई मेंटर चाहिए तो आपको भी किसी का मेंटर बनना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके चीज़ें एकदम से ठीक से काम कर पाएंगी। तो प्लीज़ गुजारिश है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए सर्वर को और लोगों की मदद करना शुरू कीजिए, तब जाके अंदर से असली म्यूज़िक बाहर निकलेगा, आपकी फीलिंग्स एनहेंस होंगी कि हाँ मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोग मेरी मदद करते हैं, ये है ह्यूमैनिटी। जो आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग में देखते हैं ना, शेयरिंग इज़ ह्यूमैनिटी एंड आई एम ह्यूमन, वो आप सभी के लिए है। किसी से कोई भी चीज़ शेयर करना ही इंसानियत होती है, और हम सब इंसानियत हैं तो शर्म कहती है शेयर करने में। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।